जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार की सोमवार, पांच सोमवार। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन तीन वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो। आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना। लगाना एक ही के नीचे है, ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे, तीन दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए, तीन दीप घी के, एक फूल बत्ती का, दो लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और दो दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया, उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा महाराज, उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर फूल बत्ती गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए, दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर रख दीजिए, तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उधर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय, जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए, झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन है, तब बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए, शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए, पांच सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगा। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो, कार्तिक में चार पांच जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये दो जगह पर अवश्य चढ़ा। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और
मासिक शिवरात्रि पढ़े उसमें अवश्य चले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शकों, यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप कर्ज से परेशान हैं, या आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पा रही, पैसों की बहुत समस्या है, तो आप एक बार इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। यह उपाय दर्शकों आपको सोमवार के दिन करना है। सोमवार के दिन प्रदोष काल में आप इस विशेष उपाय को करिएगा। सोमवार के दिन आपके आसपास पीपल का वृक्ष हो, या आंवले का वृक्ष हो, या बेल का वृक्ष हो, इन तीन वृक्षों में से एक वृक्ष के नीचे आपको यह विशेष उपाय करनी है। दर्शकों, आप देख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पे आप एक दीपक देख रहे हैं, इसी तरह से आपको तीन दीपक लेने हैं। तीन दिया आप लीजिएगा और तीनों दियों में आपको घी भरना है। घी भरने के बाद दर्शकों आप तीनों दियों में एक एक कमलगट्टा ले लीजिएगा। मार्केट में मिल जाता है, आप बोल देंगे तो एक एक कमलगट्टा आप तीनों दियों में रखिएगा। उसके बाद इन तीनों दियों में आपको घी भरना है। एक गोल बाती का दिया बनाना है और दो लंबी बाती का आप दीप बना के तैयार करिएगा। प्रदोष काल में आपके आसपास जो भी वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे आप तीनों दियों को लेके चले जाइएगा। सर्वप्रथम दर्श को आप जो गोल बाती का दीप लिए है उसे अपनी हथेली पे रखिएगा और आप अपने कुल देवी का स्मरण करके गणेश भगवान का नाम लेके आप पहला दीप गोल बाती का बेल के वृक्ष या आंवले के वृक्ष के नीचे रख दीजिए।